नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। योगी सरकार 2.0 ने अपने 5 साल के कार्यकाल में से 100 दिन पूरे कर लिए हैं और सरकार ने 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। अब जनता इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देख रही है, इन 100 दिनों में जनता के लिए कि कुछ हुआ कि नहीं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताई विमला है। और ताई विमला को आपने पहले भी कई वीडियो में देखा होगा। ताई राम राम। जी सर भाई, सरकार ने कुछ कराया अभी तक या नहीं? 100 दिन हो लिए, ये 100 दिन पूरे नहीं कर लगा, कुछ नहीं करा। बता क्या करा भाई, यो नाज फ्री दे कर भका कर, यो खोया कर दिया जा कर दिया अत्ता नहीं, ना जाग तो का हुआ, ना बिजली फ्री हुई, जंगल में फसल का नाश होने लग रहा, इस सरकार में भी कुछ नहीं हो रहा, ना न करा ना यो करो। क्या होना चाहिए था भाई, बिजली भी फ्री होनी चाहती है, लोगों का कर्जा है यो माफ होना चाहता, बता क्या करा न, ये बैंकों के कर्जे अकले सर न करे थे, इन्ना आज तक करे नहीं, बकावा वोट लेने का मेरा। हाँ नहीं, उन्होंने कहा था या बात है भाई, हम बैंकों के कर्जे माफ करेंगे? कर्जे माफ कहा था, नौकरी कहा था, बच्चों को नौकरी दुआऊंगा, बिजली फ्री करूंगा, गांव की भी करूंगा, जंगल की भी करूंगा, आज तक तो हुई नहीं। हाँ नौकरी दे नहीं रहे वाले, फिर गाँव में भी तार काटते भी है, केबिल काट लिए कई घरों के। हाँ बिजली वालों ना, तो बता मोदी योगी कर रहे क्या? हाँ मोदी योगी कर तो रहे, तो कहे नौकरी दे नहीं रहे, 4 साल की वह नौकरी लेके नहीं आए। अरे कहीं नहीं आए, भकावा करता नहीं कुछ भी भाई। हाँ हम तो नौकरी जी जानेंगे जी, मेरे जाकत को मिल जा। हाँ तो जाकत काबिल होंगे जी, भी तो मिलेगी ये जीव काबिल, और मिली नहीं आज तक भी, फार्म लिखट लिए कहीं नहीं लिख रहे फार्म, झूठी बात दे बड़ हम रोज जाते, मेरा जाकत नहीं जाते, कुछ नहीं करा इस सरकार ने, आगे मुंधा गिर लगा मोदी इन हालों में, जिन कुछ ना करा। हाँ इसे कोई वोट नहीं देने का। तो पहले जी हम तेरे लवाए जी, योगी ने भी नहीं कहे थे यार, योगी फिर जीत गया, इब कहीं जीतने का, आ जाइए काम करेगा तो जीतेगा, कर्जा माफ करो, बिजली माफ करो तो यो जीतेगा, नहीं जीतने का नहीं। और यह जो लड़ाई भिड़ाई चल रही है, गलत हो रहा। जनता तो जो है योगी और मोदी तो दोनों तो खुश है, और खुश है तो जी भी तो जो है अटके, फिर योगी जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, और मोदी बन जाएगा, मोदी बन जाएगा। आज ना इन्ना यो काम करा काशकारों का, बिजली फ्री ना करी, और भाई पैसा माफ ना करा, तो मोदी मुंधा गिरेगा। हाँ अरे पहले कौन सी सरकार ने बिजली फ्री कर दी, और किसने बैंकों के कर्जे माफ कर दिए? अखिलेश ने कर्जा माफ कराया, बिजली फ्री करी, और आगे भी अखिलेश ने यही भाषण दिए थे, और जी कूद कूद देता मोदी अकमा करूँगा, और करे है नी। हाँ अखिलेश न करे अपने राज में बिजली फ्री, और सब बैंकों का कर्जा माफ कराया। और कहें लोकसभा चुनाव होने वाला, और लोकसभा चुनाव को लेकर तो जी प्रधानमंत्री बनने की बात हो, सब जो है मोदी को ही पसंद करे, नु कहे कांग्रेस ने तो 70 साल तक देश को लूटती रही कांग्रेस, तो नहीं कोई नहीं लुटा कांग्रेस ने, भी कोई नहीं लुटा, या तो भाजपाई लूट रही। हाँ तड़े तड़े खा रही, और जो उसके वहाँ गुर्गे वहाँ कहें भाजपा अच्छा कर रही, अच्छा सबके लिए करेगा तो जी भाजपा को अच्छा बताओगे। हाँ अन्यसा कौन है भाई जो अच्छा करता और मन करने लगा, मने नहीं तो हो जब कर कुछ भी। ताई तेरी तो उम्र भी निरी है, कांग्रेस ने क्या कर दिया था? अरे कांग्रेस ने बतेरा करा क्यों नहीं कांग्रेस ने, महार तो राज में भाई कांग्रेस ने बेचारी ना काशकारों को कोई ऐसी परेशानी नहीं होने दी, मिल में पैसा बैठा और पर्ची सही आई हूँ, परमिट इन का बनने का वो रहा था, जय हमारे एक कर दुआ दिया, क्या रुपये बढ़ाए 25, क्या बढ़ाया दिया ऐसी दवा पर पैसा बढ़ाया दिया, खाद पर पैसा बढ़ाया दिया, जनता तो सुरक्षित है, परिंदा भी पर मार नहीं सकता ना, हम तो खुश है नहीं भाई, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है ना, ना कोई कानून नहीं सही कर रहा हो, सही करेगा तो सब खुश होंगे इस पर, और इनका नहीं तो मोदी होता नहीं। महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं जीविका कोई खैर लगा महिलाओं को, जी पहले मोदी ने जीव क्या कोई महिला खा ली किसी ना, क्यों तेरे रुपये नहीं खोज लेते देवबंद में एक बार, तो जी भी मिले थे मुझे अखिलेश सर के राज था, जी भी तो मिले थे,
मोदी के राज में नहीं मिले थे, खोज तो लिए थे, खोज लिए थे, उन्होंने ही दिए थे। मेरे तो गिर लो मुसलमानों ने ही दिए बेचारो ना। ये किसी में हिम्मत जो खोज लेते पता पैसे जी भी हिम्मत नहीं जी, तो इतनी जानू नहीं थी मैं, जानने लगी मैं ज्यादा। देख की बात ना घमारी ताई, बड़ा ही नहीं मार सकती सरकार की ना, मैं नहीं मारती वैर की, मेरे बैंकों के पैसे नहीं माफ करे, बिजली बिना रात को भी परेशान, दिन में परेशान, खेती वासू करी मारी, तो हम याद कैसा कर लेंगे सब सरकार को, जो कुशैली देगी हम जी भी तो याद करेंगे, कुशैली कुछ नहीं दी मैंने, जागतों को नौकरी नहीं दी, पढ़ाई भी ना घरों बैठा रखे, कभी कोरोना काट दो कभी कुछ काट दो। तो कोरोना कोई उनके हाथ की बात थोड़ा ही है, कोरोना तो एक बीमारी भाई, क्या कह रहा तू भी पिन उन्हीं के हाथ के वही फेंका गोला चला दो कोरोना। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हो तो जो है पूरे मेरे देश में थोड़ा ही थी, या तो जो है सारे देशों में थी, वो देश में ही फेंका कोरोना बीमारी, तो सारे देशों में थी, कोई एक देश में थोड़ा ही थी, ऐसे जो काम पहले ही होते आए हो, कहीं नहीं आया कोरोना, सब झूठी बात है, सब सरकार चला वो। अच्छा मैं एक और सवाल पूछूं थर दे, हम जो है हर घटना की जानकारी रखो, वह जो राजस्थान में घटना हुई वो अभी कहीं देखी मोबाइल मोबाइल पे या नहीं? हाँ देखी भाई, वो तो बुरा भैया ऐसा होना नहीं था, और जब होना तो मेरा कह का मारता गोली, जब इतना बड़ा सामता वो, बस हम तो घटना जी सोनी लगती, और जो धोखे तो मेरी अगले मेरे कपड़े नाप दो, और कपड़े ना पोता ना पोता तैल लिया उसका सिर, तो मैंने ना गलती करी जी, वो इतना मरता तो सैंद रूप कहता भाई मैं तुझे मारन आया, वो गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा। अच्छा नू बता जो है ताई, तो मंदिरों में भी जाती होगी और धर्म के बारे में भी सुना होगा, मतलब कोई ऐसा धर्म है जो नू कहे भाई धर्म के नाम पे किसी को मार दो या उसका सिर काट दो या गोली मार दो या कुछ ऐसा काम कर दो? वो धर्म वो तो पाप है, धर्म कहाँ का होगा, जब मंदिर में जाकर सिर काटेंगे तो धर्म नहीं, वो पाप है भाई। हाँ धर्म कुछ नहीं है, जो धर्म के काम करेगा मंदिर में जाएगा तो धर्म को भावगा, और जब हम काट तो रहे नायड तो धर्म कहाँ का होएगा, वो तो छुरी पेल रहा। हाँ कहे थे मोदी के राज में ऐसी सी गुंडागर्दी नहीं चलने की, तो मुसलमान हो चाहे वरा हिंदू हो उसका सिर तार जी, वो उस पर बैठा सीट पर। हाँ वहाँ से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मंत्री वहाँ अशोक गहलोत है। हाँ तो वैसे अशोक गहलोत का कोई भगवान है वो तारो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ से। हाँ तो कांग्रेस का वो ही करो उनका इलाज, उसे एक आंख देखना चाहिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जीव गलत कर रहे। हाँ लोग नु कहे अगर वहाँ से मुख्यमंत्री योगी होता ना वहाँ से राजस्थान में, अब किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसी घटना हो जाती वहाँ से, और एकदम अगर घटना हो जाती तो एकदम सजा मिलती, बुलडोजर चल रहा था अब घरों पको। अच्छा और तो उन्होंने क्यों नहीं चलाया भाई, जी मोदी वोगी का है, मोदी वोगी दूर ही दूर कह रहा वहाँ जाकर नहीं कहने का। हाँ ही तो कह रहा मैं कर देता हूँ कर देता, कुछ नहीं करता मोगी वोगी। अच्छा एक बात बता दो है जी, यहाँ से उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती तो राहुल गांधी भी आयल था, प्रियंका गांधी भी आयल थी, जयंत चौधरी भी आयल था, और जी अखिलेश यादव भी जायल था, और वहाँ से इतनी बड़ी घटना हुई कोई भी नहीं गया वहाँ से? या तो गलती उनकी भाई, देख बात तो बात की ढाड़ी, उस बेचारे को हिंदू होता और उसके लारा वाले ने ऐसी घटना करी, उन्हें जाना था, जाना चाहिए दुख में तो जाना चाहिए, दुश्मन के बाहर चले जा, वह तो उनकी गलती है सबकी जो गए नहीं, अखिलेश की भी और भाई उनकी भी जाना चाहिए। नहीं जा रहे वहाँ से, लोग कहते हुए सुने मैं तो भाई ऐसा ना हो कभी वोट भाग जाए भाई, या तो बिरादरी में हर बिरादरी में हर आदमी के वोट हो, अखिलेश की भी हो भाई, मुसलमानों में भी अखिलेश की, क्या कितने मुसलमान हमने मोदी के लारा देखे। हाँ और भाई यही हिंदुओं की बात है, उसके लारा भी हाँ अखिलेश के लारा भी, जो अखिलेश के अखिलेश में मुसलमान के कोई सभी ऐसे सब नहीं ऐसे होते, वो तो वैसे मुसलमान नहीं, वो तो जलील था जिन्ना सा कराया। हाँ उस मुसलमान का किसी को मारते फिर इन्ना वैसे आराम का बीज था जो मारा बेचारा बुरा कराया,
तो हमें तो इतना पता भाई, इस प्रकार की सोच भाई देवन के मुसलमानों ने कभी आज तक हिंदुओं में ऐसा कराया नहीं, और ना हिंदुओं ने करा मुसलमानों के ला रहा साहब। हाँ हम बहुत दिन हुए गए, हम अभी जहाँ भी वो भी हम जहाँ बेचारे कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हाँ नौका मुसलमान मारते फिर किसी को, वो मुसलमान तो नहीं था, वो तो मेरा जलील था जिन नशा कर रखा, वो तो सबको बुरा लग रहा जैसा हुआ उस गरीब के लार। अच्छा अब लोग ये कहें कि भाई उन्हें जो है जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए, किसा जो ऐसा करेगा उसे फांसी मिलेगी, कोई सबको मिलेगी। हाँ यही तो मैं कह रहा कि जिन्होंने वो मेरा बेचारा वो दर्जी नू कह रहे लोग भाई ने जल्दी से जल्दी फांसी पर लटका दो, तो वे जिन्होंने मारा उसे लटकाना भी चाहिए। हाँ जिन्होंने मारा वही तो लटकाएंगे, और जो यह बात हिंदुओं की है भाई, गुज्जर भी हाँ जोगी भी हाँ ब्राह्मण भी हाँ हर को हर किस्म का आदमी, तो यही बात मुसलमानों की, गंदे भी हैं अच्छे भी हैं, मुसलमान भी चाहे किसी को मारते फिर वो मेरे गंदे हैं जो हमारे ऐसा कर रहे उन्हें फांसी मिलनी चाहिए वालों को। चलिए तो जी वालों ने गलत कराया, गलत ही कहा जा भाई। चलिए तो तई विमला को आपने सुना जिन्होंने योगी सरकार के 100 दिनों के बारे में भी बताया, और राजस्थान के उदयपुर में जो घटना घटी है उस पर भी अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।